किसी तड़का घर का तड़का। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत बा विम घर का तड़का में। आज हमारा साथ बाड़ी आरा के सुनीता जी, जो अपन भोजपुरी स्वाद के जादू चला रहल बाड़ी। हमने के जे सेगमेंट बा किचन क्वीन की पसंद, ए में रउआ पे पूरा छूट बा। रउआ के छूट बा कि एकदम अपन पसंद के कुछ बनाई। आज बनाई कचरी के हलवा, जो उनकी स्वाद से भरपूर बा और सेहत से भी भरपूर बा। बहुत खूब सुनीता जी, कचरी के हलवा जोन बा एकदम भोजपुरिया व्यंजन बा और एकरा के बहुत पसंद कल जाला। तो अगर भोजपुरिया स्वाद के रउआ भी शौकीन बानी तो तैयार हो जाए कॉपी पेन लेके, बताई सुनीता जी। ओकरा में पहले कचरी जोन बा हरा चना जोना कहल जाला उ बाटे, एकरा बाद में ओकरा के तैयार कइल बाटे पीस के मिक्सी में रुआ पीस ली वही बटे। एकरा बाद ड्राई फ्रूट बा, एकरा बाद मखाना बा, एकरा बाद में घी बा जोन की गरम करके रखल बा और चीनी बा। कचरी के बहुत जगह छोलिया भी कहा जाला, हरा चना ई होला और छुड़ा कर ही बाजार से मिलेला। एकरा के कितना अंदाज से हमने के लेवे के बा? अगर 250 ग्राम ले जाओ हरा चना तो ओकरा में कम से कम 4 आदमी के नाश्ता तैयार होई हलवा जोन की। चलिए तो फिर एकदम देर ना करे के और बताई का प्रक्रिया बा कचरी के हलवा बनावे के। पहले तक गैस जला ले जाओ, अब गैस ज़्यादा जल गई जी। एकरा बाद गरम हो गई जब पैन, तब एकरा में डलाई देसी घी। देसी घी जी, अगर देसी घी अवेलेबल ना हो के, अगर ना हो घर में तो एकरा में रिफाइंड भी, हाँ रिफाइंड के भी इस्तेमाल करी जा सके। तो एकरा में 1 कप खाती 4 चम्मच घी डाल देगी एकरा में, जब गरम हो जाए तब एकरा में डलाई। जब भुनला के बाद जब ब्राउन हो जाए बिल्कुल जी, हाँ भुनला के बाद एकर कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। अच्छा, ड्राई फ्रूट में रहुआ मखाना के भी इस्तेमाल कर रहल बानी, हमने के बिहार में खूब मिले लाई और खूब पसंद भी कर जा रहा। अच्छा, मीठा डिश में का है मखाना जरूर पड़ेला हमनी तरफ? पौष्टिकता के दृष्टि से भी पड़ेला जी और स्वाद के दृष्टि से भी पड़ेला जी, हाँ दोनों दृष्टि से ही मखाना जोन बा तो बढ़िया होला। तो ये एकदम खड़ा खड़ा हमने के डालल जाए ना? एक रह के तोड़ के डालल जाए। अच्छा, कट करके हाथ से भी? हाँ हाथ से भी टूट जाए, टूट जाए काहे कि बहुत फोक होला है, सॉफ्ट होला जी। मखान के हमने के तरफ देसी घी में हल्का फ्राई करके थोड़ा चीनी के साथ, या फिर नमकीन पसंद हो तो नमक और काली मिर्च डाल के बहुत पसंद कर जाला। और व्रत में तो ही हमने के एकदम सबसे प्रमुख आहार वाई। जब भुजा जाला एकरा के, जब ब्राउन ब्राउन लोके लागल तो एकरा में पानी भी डालल जा सकेला और दूध भी डालल जा सकेला, जैसे अपना पसंद के हिसाब से। तो रउआ का डाल रहल बानी? हम जोन बात हम दूध डाल रहल बानी। अच्छा, 1 कटोरी दूध? 1 कटोरी दूध। अभी धीरे धीरे दूध में एकदम घुल जाए, हाँ बिल्कुल सूख जाए जब दूध जी, तो एकरा बाद एकरा में चीनी डलाई, बिल्कुल सूखला बना लेकिन थोड़ा सा फदक जाए तब, खदक जाए तब में चीनी पड़ी। कम से कम एकरा में 5 चम्मच चीनी डलाई। धीरे धीरे ही जोन बा सिमट जाए और सूख जाए, एकरा बाद एकर स्वाद समझ में आए। हरा चना तो ऐसे भी जोन बा तो बिल्कुल सेहत खातिर बहुत अच्छा होला, और सबसे बढ़िया बात पचे में बहुत आसान होला, चना सुपाच्य होला, सुपाच्य होला। और नाश्ता में अगर चना लेहल जाओ तो बहुत बढ़िया रहेला, दिन भर एनर्जी देला। और हलवा के रूप में अगर मिले तो बहुत बढ़िया, दूध डालने के बाद में एक रूप रंग देख सकेला कैसन भइल बा जी। एक बाद एक क्वांटिटी भी कुछ बढ़ जाला जी, ऐसे दूध ड्राई फ्रूट सब जब जब डलाला एक में, तब जब पकला के बाद में बढ़ जाला। ये तैयार हो गए बिल्कुल, अब रउआ आराम से खा सकेला। बिल्कुल एकदम स्वाद से भरल लग रहा भाई, एकदम मिल के मीठा मीठा बहुत बढ़िया महक एकदम गर्मा गर्म। तो हमनी के एक अब निकाला जाओ, तैयार हो गए भाई? बिल्कुल तैयार हो गई बा जी, बस खाएंगे देर बा।
अब एकरा के अगर सजावे के बाद एकरा में ड्राई फ्रूट यूज कर सकीला जी जोन की तैयार बाटे। लोग कहेला कि आदमी खाला आँख से भी खाला जी एकदम सही कह रही रोआ कि आँख से ही जोन खाना के जोन स्वाद होला रंग रूप देख के ही मन ललचावेला एकदम मन ललच रहल बा सेहत से भरा ही हलवा बा और एकरा के जरूर ट्राई करी रोआ लोग जरूर घर में बनाई बच्चा लोग खातिर बड़ खातिर सब खातिर ये बहुत ही फायदेमंद बा और स्वादिष्ट था बढ़ले बा। चलिए भाई एकरा के जल्दी जल्दी देख ली रोआ कि कैसे बनावल जाला और का का सामग्री के जरूरत पड़ी देखी। कचरी के हलवा बनावे की विधि। एक पैन में देसी घी डाली, उमे पीसल हरा चना के भूरा होखे तक भून ली, उमे ड्राई फ्रूट्स और दूध डाल के भून ली और ड्राई फ्रूट्स से सजा के सर्व करी। महुआ के लाटा और कचरी के हलवा ये दोनों तैयार हो गल बा। सुनीता जी के जादू खूब चलल बा। जादू के मजा लिहल जाए पूरा परिवार के साथ बैठ के। हमने के अगला सेगमेंट खान पान में तरवा लोग कहीं मत जाए बनल रही हमनी के संगे और देखत रही विम घर का तड़का। देसी तड़का विम घर का तड़का।